नाइन्थ क्लास के लिए फिजिक्स में हम चैप्टर 8 जो है हमारा मोशन, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं। तो बुक के अंदर कुछ और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो उनमें आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, आपने ये बताना है कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और अगर हो सकता है तो आपने एक एग्जाम्पल उसकी सपोर्ट में देना है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि अगर मैं एक पॉइंट ले लूं और ऑब्जेक्ट हमारा उस पॉइंट से चलता रहे चलता रहे चलता रहे कहीं भी जाए, लेकिन वापस अगर वो उसी पॉइंट पर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर है यस, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे तो तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है तो उसको कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद वापस आना उसी पॉइंट पर पड़ेगा, तो तब जा करके होगा ये कि उस पॉइंट से, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस चल के आया है तो डिस्टेंस तो नॉन जीरो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं पर आ गया है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होने की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds। इसका क्या मतलब है कि एक किसान जो है, एक फार्मर जो है, वो क्या करता है, स्क्वेयर, उसके पास एक खेत है, एक फील्ड है, और उस स्क्वेयर फील्ड की एक साइड 10 मीटर है, और वो किसान उस पूरी की पूरी बाउंड्री पर एक चक्कर काटने में कितना वक्त लेता है, 40 सेकंड लेता है। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी ऑफ द फार्मर, किसान की डिस्प्लेसमेंट, एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। यानी कि अगर वो किसी इनिशियल पोजिशन से चलना शुरू करता है तो उसके बाद 2 minutes and 20 seconds के बाद वो जहां भी होगा तो वहां आपने बताना है कि उस किसान की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। यहां आप ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, ये मान लीजिए एक स्क्वेयर फील्ड है, खेत है उस किसान का, और आप ये मान के चल लीजिए कि वो किसान पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वो हम मान लेते हैं किसान की कहाँ है, पॉइंट ए पर। तो देखिएगा, वो किसान यूं चलेगा, पहले ए से बी चलेगा, बी से सी चलेगा, सी से डी चलेगा, डी से फिर ए चलेगा, तो एक चक्कर उसका पूरा हो गया, और एक चक्कर में, जैसा कि इसने कहा कि इस स्क्वायर फील्ड के एक चक्कर में 40 सेकंड उस किसान को लगते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर वो ए से चलेगा तो 40 सेकंड के बाद फिर से कहाँ मिलेगा, वो ए पर ही मिलेगा। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है 2 minutes and 20 seconds के बाद की। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 2 minutes and 20 seconds को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि आ जाएंगे 140, यानी कि 140। अब एक चीज देखिए आप, वो किसान सपोज कीजिए, जैसा कि मैंने यहां मान रखा है कि ए से स्टार्ट करता है, तो ए से चल के वापस ए पर आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर में कितना वक्त लेता है, वो 40 सेकंड लेता है। तो इसका मतलब है कि ए से चल करके वापस ए तक जो ये एक चक्कर पूरा हो गया, इसमें 40 सेकंड खत्म हो गए, दूसरे चक्कर में 40 सेकंड फिर खत्म हो गए, यानी कि टोटल 80 सेकंड खत्म हो गए, और तीसरे चक्कर में 40 सेकंड और खत्म हो गए, यानी कि टोटल 120 सेकंड खत्म हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से, वो किसान ए से चला था और तीन चक्कर काटने के बाद जब वो वापस ए पे आया तो इन 140 में से 120 सेकंड्स
खत्म हो चुके थे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो नेचुरली जब वो 40 सेकंड में पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है तो 20 सेकंड में कितना करेगा, आधा ही तो चलेगा। यानी कि मतलब कहने का ये है कि ए से बी चलेगा और बी से कहाँ चलेगा, वो सी तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 3.5 रोटेशंस वो क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद। देखिए भाई एक बार फिर से देखिए, 140 को आप ऐसा कीजिए कि 120 प्लस 20 के अंदर तोड़ लीजिए। तो 120 का मतलब है कि 40 सेकंड के 3 चक्कर वो किसान पूरे कर लेगा। तो बचे हुए 20 सेकंड में तो वो सिर्फ ए से कहाँ पहुंच सकता है, सी पर ही तो पहुंच सकता है, क्योंकि हाफ टाइम में हाफ ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब है कि वो किसान 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ए से चल करके कहाँ पहुंचा है, सी पर, और उसके 3.5 यानी कि 3.5 रोटेशंस क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप एक चीज देखिएगा, ए आपकी इनिशियल पोजीशन है फार्मर की और सी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच का ये जो शॉर्ट लाइन डिस्टेंस है, जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए सी, यही आपके उस फार्मर का क्या होगा, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देखिएगा ये पाइथागोरस थ्योरम आप इस पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एसी आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और जब आप एसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10 × √2 मीटर। और क्योंकि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, तो अगर 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर, यानी कि 14.14 मीटर, सॉरी मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा किसान का आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200, तो वो 200 आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, √200। तो √200 को आप चाहे इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए, आपकी मर्जी है, आंसर ये आएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, हालांकि आप वो चाहें तो कर लें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जरूरी है कि इनिशियल पोजीशन उस किसान की ए ही हो? हो सकता है वो ए बी के बिल्कुल बीच में जो ये पॉइंट ई है वहां से स्टार्ट करे। तो अगर वो यहां से स्टार्ट करता है तो देखिएगा, जैसा कि हमने बात किया था कि वो 2 मिनट्स 20 सेकंड में 3.5 चक्कर पूरा करता है। तो देखिए ई से चल के वापस ई पर 1 चक्कर, फिर वापस ई पर 2 चक्कर, फिर वापस ई पर 3 चक्कर, और फिर ई से लेकर के एफ तक अगर वो पहुंचेगा तब हम बोलेंगे 3.5 चक्कर हो गए, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो इनिशियल पोजीशन उस किसान की ई थी और फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, एफ है, ठीक है। अगर आप उसको ई से स्टार्ट करता हुआ मानते हैं तो की बात है, तो आप देखिएगा कि इनिशियल पोजीशन ई है, फाइनल पोजीशन एफ है, और ई और एफ के बीच में तो दूरी आप देखिएगा बिल्कुल इस फील्ड की साइड के ही तो बराबर है। तो ये साइड अगर 10 मीटर है तो ई और एफ के बीच भी डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 10 मीटर हो जाएगा। आप ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इफ द इनिशियल पोजीशन इज ई देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड्स विल बी 10 मीटर। तो आप ये जरूर स्पेसिफाई कर दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जो इनिशियल पोजीशन है वो आपने कौन सी माननी है। ए अगर आप इनिशियल पोजीशन मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट्स 20 सेकंड के बाद इतनी आएगी, और अगर आप ई को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तब आपकी इतने ही टाइम के बाद, क्योंकि वो एफ पर चला जाएगा 3.5 चक्कर के बाद, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। तो ये दोनों में से आप बड़े आराम से जो भी केस, मतलब आपको ये लगे कि हमें स्पेसिफाई इसको करना चाहिए या इसको करना चाहिए, तो आप किसी को भी स्पेसिफाई करके और अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अगर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दो स्टेटमेंट्स में से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, क्या ये ट्रू है,
जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है, और उसी का तो हमने जिक्र किया था अभी पहले क्वेश्चन में कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चल रहा है अगर वो घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो क्यों उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो आप ये देखिएगा ऊपर थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में मैंने लिख दिया है नॉट ट्रू, बिकॉज आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है। दूसरा केस देखिए क्या है, दूसरे केस में कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी बात गलत है। क्यों गलत है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रख देता हूं। देखिएगा, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे या फिर डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। और यहां पर एक बार फिर से देखिएगा, आप ये क्या कह रहा था कि ये कह रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, जो कभी भी नहीं हो सकता। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट ए है और यहां पर आपका ये पॉइंट बी है। अगर ऑब्जेक्ट ए से चल के वापस ए पर आ जाए तो आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और अगर ए से सिर्फ ऑब्जेक्ट बी ही चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो या तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हों, ठीक है, या फिर आपने देख ही लिया होगा कि जैसे ए से चल के वापस ए पर अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो डिस्टेंस तो ये देखिएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आएगी। मान लीजिए ए से बी 2 मीटर है तो 2 मीटर ऐसे 2 मीटर ऐसे, तो डिस्टेंस तो 4 मीटर हो गया, लेकिन क्योंकि वापस वो ए पर पहुंच गया तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर। तो आप ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो भी ट्रू नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमें डिफरेंसेस जो है वो बताने हैं। तो देखिए स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप जानते हैं। और क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है इसीलिए स्पीड भी स्केलर होगी, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। और आप जानते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, उसकी डायरेक्शन से। जैसे अगर मैंने बोला +5 तो इसका मतलब है प्लस एक्स एक्सिस में 5 मीटर, और अगर मैंने बोला -5 तो इसका मतलब है माइनस एक्स एक्सिस में 5 मीटर। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसके साथ डायरेक्शन की सेंस नहीं होती, इसीलिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, आपने वो कंडीशंस बतानी है, या कंडीशन एक भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो कंडीशन आपने बतानी है कि जब उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में क्या हो, इक्वल हो। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं कह दूं कि टाइम सेम है, ठीक है, और अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए तब आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के केस में बराबर हो चुकी है। तो आप लिखेंगे कि बोथ विल बी इक्वल इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, और आप
बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट बी मान लूँ, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर टाइम भी सेम लगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गए, तो उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? इक्वल होगी। अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी कि एक ऑटोमोबाइल है, कोई व्हीकल है, उसका ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर होता क्या है? अभी मैं आपको एक जो इमेज है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जो ओडोमीटर है वो मेजर क्या करता है। तो यहां पर मैंने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, यानी कि जो ओडोमीटर वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक ओडोमीटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आपको देखिए 10, 20, 30, 40, ये तो आपको स्पीड दिखाई दे रही है, और ये सुई जो है अगर जीरो पर है इसका मतलब स्पीड जीरो है, आपकी बाइक रुकी हुई है। ये सुई अगर 40 पर होगी तो इसका मतलब आपकी स्पीड, तो ये तो स्पीडोमीटर है। ओडोमीटर का क्या मतलब है? ओडोमीटर का मतलब है ये वाली जो चीज आपने अपनी बाइक पे या कार पे देखी होगी, जो आपको ये बताती है कि आपकी बाइक या आपकी कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। और अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश करें तो 5944 किलोमीटर लगभग ये बाइक चल चुकी है जो आपको अभी इमेज में दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिएगा, जो जगह है यहां पर आपको स्पीड बताती है उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करती है, लेकिन जो डिस्टेंस को मेजर करती है कि आपकी बाइक या आपका व्हीकल आज तक कितना डिस्टेंस चल चुका है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर अभी पेन की आपको देखिएगा, ये जो नोक है ये है, ये आपको डिस्टेंस बताता है पढ़ करके आपके ऑब्जेक्ट ने इतना चला है, तो दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखाई देगा व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा? आंसर है स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखियो, जो ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना करे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो हर बार बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, और वो स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है। कई बच्चे सोचेंगे सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप देखिएगा, भले ही जो आपकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें बोलना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, और जहां पर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। तो इसलिए सबसे अच्छा आंसर क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन उसका पाथ हमें नजर आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये कोई स्पेस शिप है, ठीक है, और यहां से एक सिग्नल भेजा गया है अर्थ पर, और उस सिग्नल को 5 मिनट लगते हैं अर्थ तक आने में, तो मैंने 5 मिनट के ये सेकेंड्स बना लिए। अब कह रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप, यानी कि स्पेस शिप का ग्राउंड से डिस्टेंस क्या है
इफ द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, और ये स्पीड उसकी इतनी दे रखी है। अब देखिए लाइट की स्पीड भी इतनी ही होती है और जो सिग्नल है उसकी भी स्पीड इतनी ही है, तो स्पीड की जगह मैंने लिख दिया 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। हमें ये चीज पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपको दे रखी है तो v की जगह आप ये लिख दीजिए, और टाइम का मतलब है कितना टाइम सिग्नल को लगा, तो टाइम 300 सेकंड्स थे, तो आप यहां पर लिख दीजिए, आपके पास आंसर ये आ जाएगा कि स्पेस शिप अर्थ से ग्राउंड से इतने मीटर की दूरी पर था। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो ऐसा हम तब बोलेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्या रह रही हो, सेम रह रही हो, चेंज ना कर रही हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं कि किसी चीज की एक्सेलरेशन है प्लस के 5 m/s², और प्लस का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती जा रही है, तो 5 m/s² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि हर बार 1 सेकंड में जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 5 m/s इंक्रीज होगी, अगले 1 सेकंड में भी इतनी ही, अगले 1 सेकंड में भी इतनी ही। तो अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन सेम है उस ऑब्जेक्ट में तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, और अगर एक्सेलरेशन चेंज करती है टाइम टू टाइम तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन उसके अंदर कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि इसी एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए पहले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है 5 m/s और अगले 1 सेकंड में बढ़ती है 6 m/s, फिर अगले 1 सेकंड में बढ़ती है 7 m/s, फिर अगले 1 सेकंड में बढ़ती है 8 m/s, तो नो डाउट यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसका जो बढ़ने का तरीका है वो सेम नहीं रह रहा। जैसे पहले क्या था, हर बार 1 सेकंड में सिर्फ इतना ही इंक्रीज होता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, यानी कि जब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो इस केस में क्या है, 1 सेकंड में कभी 5 इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, कभी 6 इंक्रीज हो रही है, कभी 7 इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन अगर सेम रहती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन चेंज करती है तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक बस अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है 80 km/h से 60 km/h, यानी कि एक बस जो थी वो 80 km/h की स्पीड पर चल रही थी और ड्राइवर ने ब्रेक लगा करके किसी वजह से स्पीड को कितना कर दिया, 60 km/h, और 80 से 60 स्पीड होने में वक्त कितना लगा, 5 सेकंड। आपने बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बस, और बेसिकली यहां पर एक्सेलरेशन तो क्या होगी, डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन होगी। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बस की क्या कर रही है, स्पीड बस की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये देखिएगा, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है जिसमें यू का मतलब इनिशियल स्पीड जो बस की है वो 80 km/h है, इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, आप देख लेंगे इसको। फाइनल स्पीड जो है बस की वो 60 km/h है, इसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और आप ये देखिएगा कि 80 से 60 स्पीड होने में टी यानी कि टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो जब आप वो लगाएंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन उसकी आ जाएगी माइनस के 1.112 m/s², और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है यानी कि ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है, जो अपने आप में बताती है कि वेलोसिटी या स्पीड उस बस की धीरे धीरे क्या हुई है, कम हुई है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन आप इसको बोल सकते हैं, वो आ गई। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सिमिलर पैटर्न पर ये क्वेश्चन है
कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट लेती है रेलवे स्टेशन से। तो स्टार्ट का क्या मतलब है कि ज़रूर वो पहले खड़ी हुई थी, इनिशियल स्पीड उसकी जीरो थी और फिर धीरे धीरे इंजन ने उसको खींचना शुरू किया। तो बोल रहा है कि उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 40 किलोमीटर पर आर हो गई है 10 मिनट में। तो आप देखिएगा इनिशियल स्पीड उस ट्रेन की कितनी है, जीरो, और फाइनल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आर, जिसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और आप ये देखिएगा इतने से इतनी स्पीड बढ़ने में वक्त कितना लगा, 10 मिनट, यानी कि 600 सेकंड। इसको आप जो है हर एक चीज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी इतनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है और टाइम आपको इतना लगा, ट्रेन को इतनी स्पीड अटेन करने में टाइम 600 सेकंड लगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो एक्सेलरेशन आपकी इतनी आ जाएगी, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि बहुत ही कम, भले ही वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हुई हो ट्रेन की, धीरे धीरे इंक्रीज हुई हो, लेकिन इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इनिशियल स्पीड उसकी जीरो थी और फाइनल स्पीड उसकी 11.11 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो इतने से स्पीड इतना इंक्रीज होने में इतना वक्त लग गया, तो एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगले पेज पर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो एक कर्व्ड लाइन होगा और वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। जब मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पढ़ा रहा था तो मैंने बड़ा डिटेल में इनका जिक्र वहां किया था, तो इन केस अगर आप भूल गए हो तो वहां पर जाकर के आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया है और ये कर्व्ड लाइन क्यों आया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph, ध्यान से देखिएगा distance time graph is a straight line parallel to the time axis। तो आप यहां देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो distance time graph है उसमें बोल रहा है कि जो ग्राफिकल लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ से हम एक चीज़ कहेंगे कि टाइम भले ही बढ़ रहा है लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेस्ट पर होगा। तो इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का मतलब होगा कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उसका मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, रेस्ट पर रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अब की बार बात क्या की गई है, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब की बार स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आप ये देखिएगा ये स्पीड और ये टाइम, तो ये स्पीड टाइम मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बना लिए। अब ये कह रहा है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के कहाँ है, पैरेलल। तो यहाँ से भी आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि टाइम भले ही बढ़ रहा है लेकिन स्पीड की जो वैल्यू है वो यहीं पर कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमें बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट टाइम बढ़ने के साथ साथ अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा कि इस ग्राफ से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और यू कैन से ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। चौथा है, व्हाट इज द क्वांटिटी
विच इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर बोल लीजिए या एरिया ऑक्यूपाइड बिलो बोल लीजिए, एक ही बात है। और कौन से ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का आपने स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो बना दिया, और उस ग्राफिकल लाइन के अंडर का एरिया, उसके नीचे का जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है ग्राफिकल लाइन के नीचे, वो एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी जिक्र मैं आपसे कर चुका हूं जहां मैं आपको वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा रहा था। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो होती है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र करेंगे तो वहां पर जो ग्राफ के नीचे का एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आंसर क्या आ जाता? डिस्टेंस आ जाता। देखिए, अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, भले ही इसमें ये बताया गया है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड कांस्टेंट रह रही है, लेकिन आप एक चीज देखिए, चौथे क्वेश्चन को अगर हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो अगर आप ग्राफिकल लाइन के नीचे देखेंगे ये वाला, ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ जो कि आपका टाइम है, और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो आपकी देखिए आप स्पीड के ही तो बराबर है, ब्रेड्थ आपकी तो वो आ जाएगी आपकी स्पीड के बराबर। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड और स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर बचा, तो मीटर में तो दो चीज होती है, या तो आपकी रहेगी डिस्प्लेसमेंट या आपका रहेगा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे? जब वेलोसिटी टाइम की बात हो, और डिस्टेंस कब बोलेंगे? जब स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो। तो कुल मिलाकर के क्या है? स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया या तो आपको डिस्टेंस देगा या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो नेक्स्ट पेज पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी ये कह रहा है कि एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही है? जीरो। और उस बस ने क्या किया है? इस एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 मिनट्स तक मान लीजिए हमने उस बस को ऑब्जर्व किया है, तो 2 मिनट का मतलब है टाइम 120 सेकंड्स। तो अब आप खुद सोचिए कि जो चीज शुरू में रेस्ट पे थी और उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गई और 2 मिनट तक वो चलती रही, तो नेचुरली उसकी फाइनल स्पीड तो कुछ ना कुछ बढ़ ही गई होगी ना। तो एक तो आपसे पूछा गया है कि वो फाइनल स्पीड क्या होगी, और दूसरा कि जब वो जीरो स्पीड से चली थी और जब वो चलती रही और उसने 120 सेकंड के बाद कुछ फाइनल स्पीड एक्वायर कर ली है, तो इस ड्यूरिंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी आपने बताना है। तो देखिए, यहां पर हमने 3 चीजें जो हमें दे रखी थी वो यहां पर लिस्ट कर ली, और v का जो फॉर्मूला होता है u+at वो हमने यहां लगा दिया। u की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास है, तो v हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। फिर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने यूज किया s = ut + ½at², तो u क्योंकि 0 है तो 0 × t तो 0 हो जाएगा, बाकी हाफ हाफ एक्सेलरेशन आपको ये दे रखी है और t आपको 120 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो s का आंसर आ जाएगा आपके पास 720 मीटर। और यहां देखिए, मैं आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं वहां लेकर के चलूं, आप एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए इसकी ध्यान से। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आर, यानी कि एक ट्रेन है जो शुरू में 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगा दिए और उसके अंदर एक्सेलरेशन इतनी पैदा हो गई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आप देखिएगा अपने आप में ही क्या बताती है कि उसकी स्पीड 90 से कम होती चली जाएगी। और ये कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट,
ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब है कि उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। और मैं अगर उसको SI यूनिट्स में लिखूं तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो सिनेरियो ये है, अगर आप समझें कि शुरू में ट्रेन जो थी वो इस स्पीड से चल रही थी, मैं फिर कहूंगा कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो इतनी स्पीड से ट्रेन धीरे धीरे जीरो स्पीड पर आ गई है और उसके अंदर इतनी नेगेटिव एक्सेलरेशन जो थी वो पैदा हो गई थी, क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक लगाई है, ठीक है। तो उसकी स्पीड इससे कम होते होते जीरो तक तो आनी ही थी। अब ये बोल रहा है कि आपने ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए, जब आप ट्रेन को ब्रेक लगाएंगे तो वो तुरंत तो नहीं रुकेगी, ठीक है। तो जहां पर आपने ब्रेक लगाने शुरू किए थे वहां से लेकर के और जब तक ट्रेन पूरी तरह रुक गई वहां तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन ने, वो हमने निकालना है। तो इसको हम एक बार साइड पर रख देते हैं। तो देखिएगा, हमें यू दिया गया है यानी कि इनिशियल स्पीड ट्रेन की, तो वो इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगी जब आप कन्वर्ट करेंगे 25 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन उसकी दी गई है और फाइनल स्पीड उसकी जीरो दी गई है, क्योंकि वो कहाँ आ चुकी है, रेस्ट पर। तो ये जो फॉर्मूला है v²-u² = 2as, ये हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी तो वहां से मैंने लिया है। तो v का मतलब फाइनल, तो वो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। u का मतलब इनिशियल, तो इनिशियल आप किलोमीटर पर आवर में नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हर चीज आपने SI यूनिट्स में ली है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। उसके बाद 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह आप देखिएगा माइनस के 0.5 का मतलब है माइनस के हाफ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस के 0.5 ना लिख करके माइनस के हाफ लिख लिया। और S हमें मालूम करना है तो वो यहां पर S आ जाएगा। तो उसके बाद आप देखिएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव ये कट जाएगा और S आपके पास आ जाएगा 625 मीटर, यानी कि ट्रेन को इस स्पीड से और रेस्ट में आने में 625 मीटर का डिस्टेंस उसने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इनक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm/s², व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर दी स्टार्ट। यहां पर देखिए काफी चीजें हैं ध्यान देने के लिए। एक तो यहां ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है जो किसी इनक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, यानी कि आप ये समझिए कि जब भी कोई चीज नीचे आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। आफ्टर दी स्टार्ट का मतलब क्या है कि जरूर शुरुआत में उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी रही होगी, जीरो रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया है, किसी ट्रॉली को पकड़ रखा है किसी हाइट पर और उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो जीरो स्पीड उसकी इनिशियल थी, और फिर जब वो ट्रॉली नीचे आती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, और आपने 3 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो बतानी है कितनी होगी। एक्सेलरेशन आप यहां पर देखिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको, एक्सेलरेशन 2 m/s² नहीं है, 2 cm/s² है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं, वो हम एक जगह लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ये लिख ली, और क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट बोला है तो शुरुआत की स्पीड उसकी जीरो रहेगी। आप चाहें तो यहां पर मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। तो उसके बाद आप देखिएगा आफ्टर 3 सेकंड्स पूछा है तो टाइम आपका 3 सेकंड हो गया, और फाइनल वेलोसिटी तो पूछी ही है तो वी हमें पता करनी है। तो ये 4 चीजें हमारे पास हैं। आप देखिएगा एक्सेलरेशन को आप पहले तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से किस में कन्वर्ट कीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। तो 2 cm/1 s² लिख सकते हैं, तो 2 cm 2/100 m के बराबर हो जाएगा। तो 2/100 और ये आपका 1, तो 2/100 m/s² आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। और जो ये फॉर्मूला है v = u + at, यू का मतलब ये है और A का मतलब आपका ये है और T का मतलब ये है। जब आप सब चीज़ें पुट कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, उस ट्रॉली की, वो आ जाएगी 0.06 m/s।
क्वेश्चन नंबर चार में बोला गया है कि एक रेसिंग कार है जिसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सो ए की वैल्यू यहां लिख ली। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, तो आपने टाइम लिख लिया 10 सेकेंड्स, और आपने ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि शुरू में वो कहाँ थी, रेस्ट पर। तो आपने यदि डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना ट्रैवल किया रेसिंग कार ने, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप लगा सकते हैं। u आपके पास है 0, तो 0 इंटू t आपका 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ at स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ आ गया। a का मतलब आपका ये एक्सेलरेशन है जो 4 है, और t का मतलब आपका 10 रहेगा, तो t स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास s आ जाएगा 200 मीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये बड़ा आसान सा सवाल था। जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो आप एक तरफ रख लीजिए, और उसके बाद जो निकालना है उस हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ये आप देख लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, वो आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि एक पत्थर है, स्टोन, जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पत्थर है और आप उसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जब आप उसको फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल स्पीड आप उसको देंगे ना, तो जो इनिशियल स्पीड उसको दी गई थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये u है, u का मतलब इनिशियल स्पीड। और ये भी आप देखिएगा कि जब वो पत्थर ऊपर चढ़ता जाएगा तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए कि अगर ए से उस पत्थर को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो जब वो पत्थर ऊपर चढ़ेगा, तो मान लीजिए पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है। भाई पत्थर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर के क्या करता है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना। इसका मतलब है बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स के लिए उस पॉइंट पर जरूर उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0। क्यों? अगर उसकी वेलोसिटी 5 से ऊपर जाते जाते घटते घटते यहां पर 0 ना हुई होती तो वो और ऊपर क्या कर सकता था, जा सकता था। लेकिन क्योंकि वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब जरूर यहां हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, 0। तो हमारे लिए ए एक इनिशियल पॉइंट का काम करेगा, और बी जो कि आपका हाईएस्ट हाइट का पॉइंट है वो हमारे लिए फाइनल पॉइंट का काम करेगा। तो उसको हमने फेंका था इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी घटी है ऊपर जाते वक्त। और ये बोल रहा है एक्सेलरेशन जो है स्टोन में वो 10 थी, तो एक्सेलरेशन 10 की बजाय आप क्या लेंगे, -10 लेंगे। बस यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों माइनस क्यों लेंगे हम एक्सेलरेशन के साथ? क्या हमें यहाँ पर माइनस दिया गया है? यहाँ पर भले ही ना दिया गया हो, लेकिन आपने ये देखना है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड कम हो गई है तो जरूर एक्सेलरेशन कैसी रही होगी, उसके अंदर नेगेटिव रही होगी। ये हमें अपने आप सोचना पड़ेगा। तो अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताइए कि उस पत्थर ने कितनी हाइट अटेन की है, पहली बात। तो चलो पहले इसी का आंसर हम देते हैं। तो आपने उसको ए से फेंका और वो चढ़ते चढ़ते ऊपर बी से ऊपर नहीं जा पाया, तो ए और बी के बीच में मान लीजिए एच हाइट है, तो नेचुरली आपके पत्थर ने ये एच हाइट ही तो, एच डिस्टेंस ही तो क्या किया है, ट्रैवल किया है। तो आप इसके लिए एक चीज देखिएगा, हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वो 0 है, तो 0 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 0, माइनस की जगह माइनस। यू का मतलब इनिशियल स्पीड, तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा 25, इज इक्वल टू 2 की जगह 2, ए आपका -10 आ जाएगा। और एस का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसने कितना डिस्टेंस या कितनी हाइट ट्रेवल की, जो कि एच है, तो एस की जगह एच आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच हमारे पास आएगा 1.25 मीटर, यानी कि जो पत्थर आपने ऊपर फेंका था वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में 1.25 मीटर की हाइट क्या कर चुका है, अटेन कर चुका है। और दूसरा आपसे इसी में पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक
टू रीच देयर, यानी कि आपने जब उस पत्थर को यहाँ से फेंका तो कितनी देर के बाद वो बी पर पहुंच जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में उसने वक्त कितना लिया। तो यानी कि यहाँ हमें टी निकालना है और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें से आप देखिएगा जब टी की आप वैल्यू निकालेंगे तो वो टी की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी वी माइनस यू बाय ए। तो v हमारे पास है 0, u हमारे पास है 5 और a हमारे पास है माइनस के 10। तो जब आप इसको सबको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 सेकंड, यानी के आपके पत्थर को यहां से यहां जाने में आधा सेकंड का वक्त लगेगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं और नॉर्मली इनको एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारे पास हैं, एक बार उनको आप अच्छे से अपने दिमाग में लेकर के आइए, फिर ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और क्या हमें निकालना है, उसके बाद आप आराम से फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा।